एक साल से जेल में बंद सिसोदिया दिल्ली सरकार का 11वां बजट करेंगे पेश। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को याद किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज जब हम अब बजट पर चर्चा कर रहे हैं तो मुझे अपने छोटे भाई मनीष सिसोदिया की याद आ रही है। यह हमारी सरकार का 10वां बजट है। पिछले 9 बजट मनीष सिसोदिया ने पेश किए थे और मुझे उम्मीद है कि वह अगले साल इसी विधानसभा में हमारी सरकार का 11वां बजट पेश करेंगे। केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि श्रीराम अगर आज होते तो उनके घर भी भाजपा सीबीआई और ईडी को भेज देती और बंदूक रख कर उनसे पूछती कि भाजपा में आना है या जेल जाओगे। सभी पार्टियों को तोड़ दो, ईडी सीबीआई के जरिए सभी पार्टियों को खत्म कर दो, पार्टी नहीं रहेगी तो चुनाव ही नहीं होंगे। इनको गुजरात में मौका मिला था, एक भी स्कूल अच्छा नहीं मिला। एक टेंट का स्कूल लगवा कर 5 बच्चे एक फर्जी टीचर के साथ पीएम ने फोटो खिंचवा ली। सीएम ने आगे कहा कि अगर इन्होंने एक भी बढ़िया स्कूल बनाया होता तो इन्हें सरकार तोड़ने की जरूरत नहीं होती, जनता इन्हें खुद ही अपना समर्थन दे देती। उत्तराखंड में इन्होंने कांग्रेस की सरकार तोड़ दी, महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार को गिरा दिया, अपनी तोड़ फोड़ कर सरकार बना ली। ये पूरे देश में सभी पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं। हिटलर ने 3 महीने में सभी को खत्म कर दिया, इन्होंने 10 साल लगा दिए। अगर श्रीराम होते तो उन्हें भी बंदूक के दम पर कहते हमारी पार्टी में आ जाओ। उन्होंने कहा कि अब मुझे जेल में डालने की तैयारी है। भाजपा में मेरे कई मित्र हैं, वे कहते हैं वो केजरीवाल को अंदर करना चाहते हैं, इसके बाद फ्री बिजली खत्म कर देंगे, इसके बाद बढ़िया स्कूल बर्बाद कर देंगे, जितने समन भेजोगे उतने ही स्कूल बनाऊंगा। अगर केजरीवाल के स्कूल और अस्पताल देख लोगे तो हमसे मोहब्बत हो जाएगी। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।